लाख प्रयास कर ले, परंतु इन योजनाओं को अमलीजामा पहनाने की जिम्मेदारी जिन अधिकारियों के हैं वे ही इनका क्रियान्वयन ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। ताजा मामले में एक स्कूल के बच्चों को भ्रमण कराने के नाम पर सवारी गाड़ी की बजाय मालवाहक में भरकर दमोह लाया गया। एक छोटे मालवाहक में सवार होकर दमोह में प्रवेश कर रहे ये बच्चे दमोह जिले के ग्राम अभाना के बालक मिडिल स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं। मालवाहक में ये बच्चे अपने दो विज्ञान के शिक्षकों के साथ 18 किलोमीटर का सफर तय करके दमोह आए हैं। इस छोटे मालवाहक में 40 बच्चों को भूसों की तरह भरकर लाया गया। इन बच्चों ने अभाना से दमोह तक का सफर खड़े होकर तय किया। जान से खिलवाड़ करते हुए इन बच्चों को दमोह लाया गया है, लेकिन यह भी नहीं सोचा कि कोई हादसा हो जाए तो जिम्मेदार कौन होगा। भाना मिडिल स्कूल के इन बच्चों को दमोह का नवनिर्मित फिल्टर प्लांट दिखाने के लिए लाया गया था, क्योंकि विज्ञान क्लब के अंतर्गत बच्चों को इंजीनियरिंग का नमूना दिखाना था। एक साथ इतने बच्चों को लाने का तर्क देकर उनके शिक्षक कहते हैं कि उनको सवारी वाहन में लाने पर परेशानी होती है, इसी कारण से उनको मालवाहक में लाया गया। जब हमने किसी हादसे के होने पर शिक्षकों की जिम्मेदारी के बारे में कहा तो इन शिक्षकों ने माता पिता के हस्ताक्षर कराए गए अनुमति पत्र दिखा दिए। घस रहे हो कैसे में? इतने सारे लोग बैठे हैं, ऐसे में कितनी दिक्कत हो रही है। आप लटके भी हो अभी, ऐसे लटक के कहाँ तक चले जाएंगे आप? अभी लटक रहे हैं। और दिक्कत किस स्कूल में पढ़ते हो? कहाँ जा रहे हैं? विज्ञान मेला। अभी इतने सारे लोग एक छोटे सी गाड़ी में बने हैं, खड़े हैं, ऐसे में कितनी तकलीफ हो रही है? कुछ नहीं। बालक माध्यमिक शाला आवाना से और ये विज्ञान क्लब के अंतर्गत छूर दर्शाया जा रहा है बच्चों को, और रूरल एरिया के अनुसार जो व्यवस्था बन सकी मतलब संस्था प्रधान के द्वारा, क्योंकि बसों की ये अरेंजमेंट करना इतनी छोटे से मतलब बजट में उचित नहीं था, इसलिए उन्होंने ये व्यवस्था की है। और दुर्घटना की रिस्पांसिबिलिटी के लिए ये अनुमति पत्र हम लोगों ने अभिभावकों से लिखवाए हैं। ये अनुमति पत्र बने हुए हैं, ये सभी के हस्ताक्षर किए हुए हैं, तो ये रिस्क सभी लोगों की मतलब है। पानी के प्रकार से किया जाता है, पास किया जाता है, वो समझाने के लिए हम लोग लेके जाए। कितने बच्चे हैं ये? 40। अब छोटी सी पिकअप में 40 बच्चे लेके जा रहे हैं, कोई दुर्घटना हो जाए, बच्चे की जान भी जा सकती, तो आप कहाँ तक उचित है कैसे ले जाए? वाहन की जो व्यवस्था बन पाई और जो जितना अपने पास बजट है और जो हेडमास्टर ने व्यवस्था की उस हिसाब से। सर इससे कम बजट में तो बस से आ जा सकते थे आप? बस से फिर क्या है कि अब यहीं जाना है, पहले हम लोग इनको ये अपना सोलर पैनल अथनी मिडिल स्कूल में लगे हुए हैं, सोलर पैनल की कार्य प्रणाली समझाने के लिए ले गए थे, उसके बाद वाटर पैनल।